बालाघाट जिले के बैहर थाना अंतर्गत परसा टोला चिचरंगपुर के जंगल में कल रात हॉकफोर्स और पुलिस बल के जवानों का नक्सलियों से आमना सामना हो गया। सुरक्षा बलों को देख नक्सली भागने लगे, इन्हीं में से दो नक्सली जवानों के हाथ लग गए, जिनमें एक पुरुष नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुआ, जबकि एक हार्डकोर महिला नक्सली स्वजंती को गिरफ्तार कर लिया गया, जो ग्राम नैनगुड़ा एटापल्ली जिला गढ़चिरौली की रहने वाली। इसके ऊपर मध्य प्रदेश में 3, छत्तीसगढ़ में 6 और महाराष्ट्र में 5 लाख, कुल इस तरह 14 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके पास एक पिस्टल, मैगजीन, कुल्हाड़ी तथा अन्य सामान बरामद हुआ है। SP नागेंद्र सिंह ने सफलता के लिए जवानों को बधाई दी, साथ ही कहा कि जो नक्सली अपने घर जाना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं, वे मध्य प्रदेश सरकार के आत्मसमर्पण नीति का लाभ ले सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले मैं आपके नए पुलिस अधीक्षक वरुण की टीम को बधाई देना चाहता हूँ इस बहुत ही अच्छी सफलता के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आपके नए वाले SP साहब को अभी मात्र 20 दिन हुए हैं, लेकिन जब से आए हैं पूरे जी जान से दिन रात काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि इतने कम समय में एक 14 लाख के इनामी नक्सली को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इसमें हमें कल की डेट में खबर मिल रही थी कि जो ये अपना एरिया है समनापुर बनगांव के आसपास का, कि यहाँ पे नक्सलियों की आमद रफ्त की सूचना हमें मिल रही थी, तो उसी सिलसिले में जो SOG भैयर है उस टीम को भेजा गया सर्चिंग के लिए, जिसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह हैं। जब ये सर्चिंग कर रहे थे तो इनको पता लगा कि नक्सलियों का एक दल जो गांव परसा टोला है कि परसा टोला राशन पानी लेने आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली जो हमारी सर्चिंग पार्टी थी उसको रीओरिएंट किया गया और परसा टोला एक ग्रुप 11 लोगों की पार्टी परसा टोला गांव के पास लगाई गई और दूसरी 12 लोगों की पार्टी उससे आधा किलोमीटर दूर जंगल में लगाई गई। तो कल लगभग 10:30 बजे रात का ऑपरेशन है, तो दो संदिग्ध लोग समनापुर गांव से निकलते हुए देखे गए। टीम ने इनको सरेंडर करने के लिए ललकारा, लेकिन इन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो हमारे जो 4 लोग हैं, एक सब इंस्पेक्टर मंगरू के और कॉन्स्टेबल मुनेंदर हरेंदर और विजय मर्सकोले, इन 4 लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रख के एक महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दूसरा नक्सली अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल की तरफ भाग गया। बाद में महिला नक्सली जो पकड़ी गई थी उसकी पहचान साजंती के तौर पे हुई है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है। 2011 में इन्होंने CPIM पार्टी को ज्वाइन किया था, फिर वहाँ से 2016 में इनको MMC जोन भेजा गया, तब से ये KB डिवीजन में काम कर रही है। इसके ऊपर 14 लाख का इनाम है तीनों स्टेट की तरफ से और अकेले मध्य प्रदेश में इसके विरुद्ध 6 हीनियस ऑफेंस रजिस्टर्ड हैं। बाकी स्टेट्स में जो ऑफेंस हैं उनकी हम सूची तैयार कर रहे हैं। इसमें क्योंकि अंधेरे का वक्त था, उसके बाद भी पूरी टीम ने
अथक मेहनत की। टेरेन आप जानते हो कितना टफ टेरेन होता है यहाँ का, और बिल्कुल अंधेरे में अपनी जान की बाजी लगाकर, क्योंकि जो पुलिस पार्टी इनको लेके आ रही थी महिला को, तो नक्सलियों ने इसको छुड़ाने के लिए बीच जंगल में पुलिस पे हमला किया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में अपनी तरफ से फायरिंग की और नक्सलियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो इसमें जो एसओजी बैयर है, उसके टीम लीडर सब इंस्पेक्टर माइंडर और बाकी जवानों ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है, जिसका नतीजा ये है कि 14 लाख एक महिला नक्सली को हम गिरफ्तार करने में कामयाब। क्षेत्रांतर्गत परसा टोला के आसपास के जंगल क्षेत्र में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सली वहाँ राशन लेने के हिसाब से मूवमेंट कर रहे हैं। इस सूचना पर ऑफकोर्स के एसओजी बैयर को हमने तत्काल उस एरिया में मोबिलाइज किया और करीबन रात 10 बजे के आसपास की ये घटना रही, जहाँ पे वहाँ 2 नक्सली हमें परसाटोला गांव से जंगल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। जब पार्टी ने उन्हें रोका, आवाज़ लगाई, तब आत्मसमर्पण ना करते हुए उन्होंने भागने का प्रयास किया। पूरी हॉक फोर्स के जवानों ने इसमें बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंधेरे के और बारिश के बीच उन नक्सलियों को घेरने का प्रयास किया, जिसमें एक पुरुष नक्सली वहाँ से भागने में सफल हुआ, परंतु एक महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में यहाँ जवानों ने सफलता हासिल करी। पूछताछ में इस नक्सली ने अपना नाम साजंती पति गणेश बताया है। ये गढ़चिरौली की रहने वाली है। इसके पति गणेश भी 2022 नवंबर में जमसहरा एनकाउंटर के दौरान धराशायी किए गए थे, जो DVCM रैंक के अधिकारी थे। इस नक्सली पे 14 लाख का इनाम है और अभी जो नक्सल अभियान हमारे ज़िले में चल रहा है, इसे निरंतर रूप से हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सबके माध्यम से हमारी यह भी अपील है, चूँकि इसे गिरफ्तार किया गया है, इससे हमें यह भी सूचनाएँ प्राप्त हुई कि अन्य कई नक्सली यहाँ पर जो अपनी मर्जी के बिना यहाँ बुलाए गए हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हैं। ऐसे नक्सली जो अपने घर जाना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की सरेंडर नीति बहुत ही उनके लिए लाभकारी है, उसका वे लाभ उठाएं और मध्य प्रदेश पुलिस उनकी पूरी सहायता करे। ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।